नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पेज नंबर 59, उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। कल हमने क्या सीखा था? छोटे ए और बड़े ए की मात्रा। इन अभ्यास प्रश्नों को शुरू करवाने से पहले मैं आपको इस अध्याय में आई हुई पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आप अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। पहले हमें दे रखा था पेज नंबर 56 पे, मीठे मीठे फल हम खाते, अच्छी अच्छी सेहत पाते। क्या कह रहे हैं आप पे कि हमें कैसे फल खाने चाहिए? मीठे मीठे। उससे क्या होता है? जो हमारा स्वास्थ्य होता है, सेहत होती है, वो अच्छी होती है। आगे दे रखा है हमें पेज नंबर 57 पे, सुबह सवेरे सैर पर जाते, थैला भर कर सब्जी लाते। सुबह सवेरे जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? थैला भर कर सब्जी लेकर के आते हैं। आगे हमें कविता दे रखी है छोटी सी, किस पर? केले पर। गली गली में ठेले, केले ले लो केले, पैसे है ना थैले, कैसे ले लूं केले। इसमें क्या होता है? गली में ठेले वाला आता है और बच्चा उसे क्या जवाब देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपसे केले कैसे लूं। चलो अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रश्न एक, एक शब्द में उत्तर दो। क है हम कैसे फल खाते हैं। आप बताओ हम कैसे फल खाते हैं, कैसे फल पसंद होते हैं आप सबको? मीठे मीठे। तो हम यहाँ लिखेंगे हम मीठे मीठे फल खाते हैं। कैसे फल खाओगे? मीठे मीठे, जिनका स्वाद कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीठे मीठे। ख हमें दे रखा है थैला भर कर। क्या लाते हैं, क्या लाते हैं बताओ? आपने कविता में क्या सुना? जब हम सुबह सवेरे घूमने के लिए जाते हैं तो क्या लेकर के आते हैं थैला भर कर? तो उत्तर हम देंगे यहाँ पर, क्या लाए? सब्जी। तो हम लिखेंगे उत्तर, थैला भर कर सब्जी लाते हैं। आगे हम करेंगे ग, ग में हमें क्या प्रश्न है? गली गली में क्या है? बताओ, आप कविता पढ़ी थी ना केले वाली, उसमें क्या था? गली गली में कौन आता है बताओ? होता है ठेले। गली गली में क्या आते हैं? ठेले। ठेले का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? क्या होता है ठेले का मतलब? ठेले का मतलब होता है गाड़े वाले, जो सब्जी फल रख कर लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गली गली में ठेले हैं। क्या हैं? ठेले हैं। प्रश्न दो, आगे हमें दे रखा है कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। जो हमने केले वाली कविता पढ़ी थी ना, वो यहाँ पे लिखनी है। गली गली में क्या लिखना है यहाँ पे? गली गली में ठेले। ठ पर कौन सी मात्रा लगाई हमने? छोटे ए की। और ल पर छोटे ए की। क्या बना? ठेले। आगे लिखेंगे डैश ले लो केले। क्या लिखेंगे? केले ले लो केले। अब देखो क और ल पर, दोनों पर कौन सी मात्रा लगाई हुई है? छोटे ए की। क क पर छोटे ए की मात्रा के, और ल छोटे ए की मात्रा ले। क्या बना? केले। आगे है पैसे है ना थेले। क्या लिखेंगे यहाँ पे? थेले। थ पर छोटे की मात्रा और ल पर छोटे की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे इसे? थ पर छोटे की मात्रा थे, ल पर छोटे की मात्रा ले। क्या बना? थेले। ऐसे है ना थेले। आगे है डैश ले लू केले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे। क पर बड़े ए की मात्रा, क्या बना? के। और स, उस पे छोटे की मात्रा से। कैसे, कैसे ले लूं केले। चित्र का नाम बोलो। अगला क्या प्रश्न है? चित्र का नाम बोलो और आवाज लिखो कि यहाँ किसकी आवाज आ रही है। सबसे पहले देखो हमें किसका चित्र दिया हुआ है यहाँ पे? ये है एल्बम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। किसका चित्र दे रखा है यहाँ पे? एल्बम।
आगे हमें दे रखा है यहाँ पे किसका चित्र है ये, देखो मम्मी भी इसका प्रयोग करती है, क्या बनाती है इससे, इससे रोटी बनाती है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब उसके ऊपर छोटे ए की मात्रा, क्या बना, बे, बेलन। आगे दे रखा है हमें यहाँ पर चित्र सेब का, तो क्या लिखेंगे, स छोटे ए की मात्रा से, से ब सेब। आगे चित्र दे रखा है ऐनक का, तो कैसे लिखेंगे, ए उसके ऊपर छोटे ए वाली मात्रा, ए नक, ऐनक। आगे है बैलगाड़ी, ब उसके ऊपर बड़े ए की मात्रा, बैल गाड़ी। ध्वनि का ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे छोटी ध्वनि का प्रयोग करना है और कैसे बड़ी ध्वनि का प्रयोग करना है। आगे हम करेंगे पेज नंबर 60, प्रश्न 4 दे रखा है, पढ़ो और अंतर समझो। यहाँ पर हमें ऊपर जो 4 शब्द रखे हैं उसमें छोटे की मात्रा लगानी है, और नीचे जो शब्द रखे हैं उसमें बड़े की मात्रा लगानी है। सबसे पहले देखो, जल, जल, जल के ऊपर हम लगाएंगे बड़े ए की मात्रा। अगला शब्द देखा है सब, सब, सभी के लिए सब, और आगे हमें देखा है स पर छोटे की मात्रा, से ब सेब, एक फल का नाम हो गया है यहाँ पे। आगे हम करेंगे ब ल बल, उस पे हमने लगाई छोटे ए की मात्रा, ब पे छोटे की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, बे, बे ल बैल। आगे हम पढ़ेंगे ज ब जब, जब पर हम छोटे ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, जे, ब जेब, पॉकेट के लिए यूज करते हैं ना जेब को। आगे हम यहाँ लगाएंगे बड़े ए की मात्रा, एक हमें करके दिया हुआ है, ब उस पे छोटे ए की मात्रा, बैल, और यहाँ जब हम बड़े ए की मात्रा लगाएंगे तो ब बड़े ए की मात्रा, बैल, बैल। आगे दे रखा है बेर, बेर पर बड़े की मात्रा लगाएंगे तो बैर, बेर। आगे हमें दे रखा है मेल, मेल पर बड़े की मात्रा लगाएंगे तो मैल, मैल। इसी तरह से लास्ट आखिरी शब्द हमें दे रखा है सैर, स पर बड़े की मात्रा लगाते हुए लिखेंगे सैर, सैर। ये हो गए बच्चों हमारे छोटे ए और बड़े ए की मात्रा वाले शब्द। आगे हम करेंगे प्रश्न 5, जिसमें हमें चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को देखते हुए हमें नाम लिखना है। देखो सबसे पहले किसका चित्र है बताओ मुझे, क्या समझ में आ रहा है इस चित्र को देखकर? ये लाइट चली जाती है, तो पहले जब लाइट नहीं होती थी तो हम किसका प्रयोग करते थे, लालटेन का। क्या है ये, लाल टेन। पहले वाले घरों में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लाइट बिजली वाला काम नहीं था, तो हम क्या करते थे, अपनी लालटेन जलाकर रात के समय अपना सारा काम पूरा करते थे। आगे देखो किसका चित्र दे रखा है यहाँ पे, रेलगाड़ी का। र पर कौन सी मात्रा है कि यहाँ पर छोटे ए की, रेल गाड़ी। ग पर कौन सी मात्रा है, बड़े ए की, क्या बना, रेल गाड़ी। आगे दे रखा है हमें चित्र, कौन सी गाड़ी है ये भी, ये है बैलगाड़ी, तो ब पर कौन सी मात्रा लगाएंगे, बड़े ए की, क्या बना, बैल, बैल गाड़ी, क्या बना, बैल गाड़ी। और ग पर बताओ कौन सी मात्रा लगी हुई है, ग पर है आ की मात्रा, इसीलिए गाड़ी, बैल गाड़ी। आगे हमें दे रखा है चित्र केले का, कैसे लिखेंगे, क पर छोटे की मात्रा, के, ल पर छोटे की मात्रा, ले, के, ले। आगे देखो क्या है ये, क्या लेके जा रहे हैं अंकल, इस गाड़ी को क्या कहते हैं, गाड़ी को कहते हैं ठेला, कैसे लिखेंगे, ठ उसके ऊपर ए की मात्रा, कौन सी ए की मात्रा, छोटे ए की,
ल, उसके पास में आ की मात्रा क्या बना, ठे ला। आगे देखो कौन सा चित्र है, ये है कैमरा। तो कैसे लिखते हैं, क पर बड़े ए की मात्रा क्या बना, कै। ध्वनि को लंबा रखते हुए म रा, कैमरा। आगे हम करेंगे पेज नंबर 61। अभी हमने कौन सा पेज किया था, पेज नंबर 60। अब हम करेंगे प्रश्न 6, पेज नंबर 61। दिए गए शब्दों में से छोटा ए और बड़े ए की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करना है। जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इसमें से हमें जहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है तो वो हो गया छोटा ए, और जिस पर दो मात्रा दे रखी है वो हो गया बड़ा ए। देखो सबसे पहले हम लाइन से चलेंगे, रेल कौन सी मात्रा का है, छोटा ए, ठीक है। आगे देखेंगे लालटेन, ये कौन सी मात्रा का है, छोटा ए, ए की मात्रा लगा हुआ है, इस पे दो है, चलो इसको छोड़ो आगे बढ़ो। क्या है, केला, क पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटा ए की मात्रा लगी हुई है ना, तो वो क्या छोटी ए की मात्रा का शब्द। आगे ठेला, ठेला भी ए की मात्रा का शब्द है, ठीक है। आगे करेंगे हम, देखो क्या है, आगे दे रखा है कि कैमरा भी नहीं, नैनीताल भी नहीं, पैसा भी नहीं, हैदराबाद भी नहीं, भैया भी नहीं, तो लास्ट ये शब्द कौन सा है, एक मात्रा का, छोटा ए का, ये हो गया सपेरा। ये हो गए हमारे सारे कौन से शब्द, छोटे ए की मात्रा वाले शब्द। अब हम करेंगे बड़े ए की मात्रा वाले शब्द, जिस भी शब्द पर दो मात्राएं लगी हुई है तो वो क्या हो गया, बड़े ए की मात्रा वाला शब्द हो गया। क्या पहचान होती है, यही पहचान थी ना इसकी, कि जहाँ जिस वर्ण पर दो मात्राएं लगती है तो वो होता है बड़े ए की मात्रा का शब्द। लाइन से देखेंगे, देखो क्या है, बैल दो मात्राएं हैं, कैमरा दो मात्राएं हैं, नैनीताल, पैसा, हैदराबाद और लास्ट भैया, भ पर भी बड़े ए की मात्रा है, ठीक है। ये हो गए हमारा प्रश्न 6। आगे हम करेंगे चित्रों को उनके नाम से मिलाना है, ये तो आप अपने आप कर लोगे कि ये भी करवाना है, चलो ठीक है साथ में ही करते हैं। चलो सबसे पहले देखो क्या रखा है, केला, केले का चित्र कहाँ है, वेरी गुड, सबसे नीचे दे रखा है उससे मिलान कर लेंगे। आगे देखो दे रहा है शेर, शेर के चित्र से मिलान करेंगे। पेड़ कहाँ है, पेड़, वेरी गुड। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से मैच कर दिया हमने। आगे पैसा, पैसा से मैच करेंगे। लास्ट बचा रेत, मात्राओं का ध्यान रखेंगे कि कौन से शब्द पे कौन सी मात्रा आ रही है, छोटे ए की या फिर बड़े ए की। प्रश्न 8 हमें दे रखा है, छोटा ए और बड़े ए की मात्रा सही स्थान पे लगानी है। अब बताओ मुझे क्या है, रेल, रेल पे कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ए की। आगे पैर, पैर पर कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ए की। आगे शब्द है तैराक, तैराक पे बड़े ए की मात्रा, यानी दो मात्राएं। लास्ट में हमें शब्द दे रखा है मेहनत, म पर कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ए की। ये हो गई बच्चों हमारा पेज नंबर 61। अब हम करेंगे पेज नंबर 62। एक अनेक वर्ण हैं और उनको समझना है, ठीक है। ये हमें देखो दे रखा है, जब एक होता है तो हम बोलते हैं तारा, और आ की मात्रा हट जाती है। जब बहुत सारे होते हैं तो हम बोलते हैं तारे, आ की मात्रा हट के ए की मात्रा लग जाती है। आगे देखो देख रखा है केला, आ की मात्रा लगी हुई है, वहीं बहुवचन बनाने हैं तो ए की मात्रा आ जाएगी, केले। लास्ट देखो चूहा, आ की मात्रा हटा के क्या बनेगा, ए की मात्रा, चूहे। हो गया बेटा प्रश्न 9। अब हम करेंगे प्रश्न 10, उदाहरण के अनुसार मात्राएं लगाओ। इस प्रश्न को आप मुझे खुद करके बताओगे, इसको मैं नहीं करके बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, फर्स्ट क्लास में भी आता है, यूकेजी में आता है, तो ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। एक आपको करके दे दिया, उसको मैं पढ़ भी देती हूँ, और आगे आप अपने आप करके दिखाना मुझे। क का की, क्यों, क्योंकि छोटी ई है इसीलिए, की, कु, कु, के, ठीक है। आगे आप ऐसे इन शब्द
इन सबको पूरा भी करोगे और साथ में इसका उच्चारण भी एकदम सही तरीके से करके अपनी मम्मी को सुनाओगे, ओके। और ये पूरी वर्कशीट को अच्छे से पूरा करते हुए, जो पूरा भी आपने अभ्यास प्रश्नों को किया है अपनी बुक का, इसको आप पूरा करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।